बड़ी बात नहीं करता मैं, अगले महानगर पालिका के इलेक्शन में आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे क्या? किस देखो जनता तय करती तो हम ये गुरूर तकब्बुर और घमंड वाली बात हमको अल्लाह, क्योंकि तकब्बुर की चादर सिर्फ अल्लाह की है, हम किसका सफाया कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये अल्लाह करने वाली ज़्यादा। हाँ हमारे हम आप ग्रीन बेल्ट क्यों बोल रहे बार बार? तो ठीक है तो मुस्लिम मेरे ग्रीन बेल्ट लोग क्या बोलेंगे? यही बात पूछता कि भाई आप ग्रीन बेल्ट क्यों बोलते? तो ग्रीन बेल्ट शहर का हिस्सा क्यों नहीं बोलते? मुसलमान रहते इसलिए ग्रीन बेल्ट। अरे आम जबान में उसको ग्रीन बेल्ट बोला जाता भाई, बोलते ग्रीन बेल्ट सब बोलते हम आम जबान में। मैं ये कहूंगा कि आप ग्रीन बेल्ट बोलना आप नेता लोग बंद कर दीजिए। नहीं नहीं क्यों बंद कर दो? नहीं नहीं देखिए कौन सी गली की, आसिफे कॉलोनी गली का दौरा करे आपने? आप विराटपुरे के अंदर चल जाओ, बैजीपुरे के अंदर चल जाओ। अरे साहब तो मैंने आपको बोला ना आपको, अरे तो मेरे भाई तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे ABC कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे जिल्हा न्यायालय समोर अदालत रोड औरंगाबाद। और जो है तो खास तौर से औरंगाबाद शहर के अल्पसंख्यक इलाकों के लिए निधि देने वाले हैं, उसका प्रयत्न चालू है, बजट भी लेंगे, वो भी फैक्ट बात बोल रहा है, समझ सकते हैं आप बात को? आप मुतमईन है मेरी बात से? आप अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप फिर आप क्वेश्चन कीजिए, मैं तो आप जवाब देता हूं आपको। मैं पार्टी में जब से राष्ट्रवादी में गया तो जब से ही मेरे मसाइल हल हो रहे, और मैंने जो आप बोले ना 4 साल में आप मजलिस में थे तो आपके चार थे सबको मालूम है। अरे थे तो अरे भाई आपको जो है तो सभागार के आप भी गैलरी में बैठते थे, सभागार के वीडियो आपको है तो गवाही देंगे कि सैयद बदीन ने कैसी नुमाइंदगी, 7353 है भाई, चूड़िया नहीं पहना, हथकड़े पहना, कुर्बानियां दिया लोगों के वास्ते, फिर ये तो हमने भी देखा, फिर आप फिर मेरे और मैं और सिर्फ मैं और आप आता है कि अगर आपके वार्ड के लोग खुश नहीं है कौन बड़ा खुश नहीं? आप गए कभी वार्ड? नहीं नहीं आप जाओ ना, मैं आपको 2 दिन पहले की मेरी न्यूज़ नहीं नहीं कहा कि आपका नाम नहीं लिया वहाँ पे किसी ने, लेकिन ये बोला है कि इस बार हमारी किस्मत खराब थी, हमको अच्छा कार्पोरेटर नहीं। कौन से कहाँ गए थे आप? जहाँ से डेनिश का पानी जयभीम नगर में गए थे आप? जयभीम नगर में गली में जहाँ से पानी होता हाँ मेरे वार्ड। आप एक बात बोलूँ क्या आपको? मैंने जो है तो 2000 की लीड से चुन के आया था, तो मेरे सुनो मेरी बात, तो मेरे खिलाफ के कैंडिडेट ने 500 वोट लिया था। कितने लिया था? 500 वोट। तो 500 लोगों में से 4 लोग तो खिलाफ बोल सकते ना, तो वो हो सकता है वो 500 में के 4 होंगे वो हो सकता है। आप क्या करो मालूम क्या, हमारी जिम्मेदारी के साथ बढ़ा, आप अगर आपके पास जब भी टाइम हो, अगर वक्त हो तो आप आसिफिया कॉलोनी का, जयभीम नगर के जो लोग है हाँ वहाँ का, बिस्मिल्ला कॉलोनी का दौरा कीजिए मेरी गैर मौजूदगी में, और दरवाज़ा खटखटा के मेरे ताल्लुक से पूछिए कि मैंने काम किया नहीं किया, आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह, वो भी जिम्मेदारी के साथ बोला। ठीक है दादा, ना खींचते हुए मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे कि आगे राष्ट्रवादी का महापौर, महाआघाड़ी का महापौर महानगर पालिका में बैठेगा तो उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर बहस नहीं होगी औरंगाबाद शहर में कि संभाजी नगर हम होने नहीं देंगे और हम जो है तो विकास के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे। देखो हम डेवलपमेंट की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे, और आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ कि राष्ट्रवादी की पॉलिसी के अंदर औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेंगे जी। औरंगाबाद में पानी रोज कब मिलेगा मतीन भाई? अभी आपके कल 2 महीने के बाद है तो जीवन प्रति अधिकार सुन लो, नहीं 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 इलेक्शन सुन लो मेरी बात, मैं हर पार्टी का मैंने कवर किया हूँ, जब इलेक्शन आता है तो सब यही बोलते हैं क्योंकि सबको पता है कि पानी की जो समस्या औरंगाबाद में बहुत बड़ी है, पहले 2 दिन में एक बार आता था, फिर 4 दिन में एक बार हुआ, अब 8 दिन में एक बार आपके घर में भी पानी आता हुआ, तो आप ही बता दीजिए कितने दिन में और वो पानी कम्फर्टेबल है क्या? आप मैं कितना ले रहे? 4000 रुपये साल का। सुनिए मेरी बात, तो 8 दिन में अगर एक बार और यानी कि महीने में 4 बार तो 12 महीने में कितने बार हो गया वो 40 बार? सुनो अभी आप उसका जवाब देता हूँ, इसमें से पानी की पाइपलाइन में मेरे जज्बात नहीं बता, जज्बात नहीं अल्फा ये जो है तो आप देखो 40 बार अगर आपके जरिए 4000 रुपए टैक्स अगर महानगर पालिका ले रही तो आप इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ेंगे? ठीक है ये देखिए आपके माध्यम से ही लोगों के मसाइल हमको मालूम पड़ते, आपका बहुत बड़ा औरंगाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारों का ही बहुत बड़ा योगदान है, ये भी एक लीडरशिप है आपकी मालूमात में आप इजाफा कर ली, आपके जरिए हमको मसाइल मालूम पड़ते कभी कभी,
कुछ मसाइल होगा, डायरेक्ट नहीं बोलते पब्लिक को। अब आपने बड़ी अच्छी बात बोली, ज़रूरी नहीं समझता कि मैं ही बहुत सब कब काम कर रहा, कुछ चीज़ें आपसे सीखने को भी मिली मुझे कि आपने बोला कि यहाँ आप मसाइल हल नहीं पड़ रहे, यहाँ फिर मैंने आपको उसका जवाब दिया। आपने जो पानी का जो मसाइल बोले, आपने चार साल में देखे मैंने कितनी नुमाइंदगी की, ग्रीन बेल्ट के अंदर पानी 8 दिन में 4 दिन में एक बार आ रहा। अब 2 महीने के बाद जो जीवन प्रदीय अधिकरण क्या है, तो उसके जरिए नवंबर के अंदर अपनी पैठन से लेके नवी लाइन का काम जिस दिन चालू हो जाएगा, 2 महीने के बाद चालू होने वाला है नवंबर के अंदर समांतर का। कौन सा? अरे साहब बीजेपी गवर्नमेंट 5 साल थी, जब तक नहीं हुआ अभी स्टेट गवर्नमेंट में हमारी सरकार बैठी। मुद्दा उठाया था इंटरव्यू के साथ में, कौन से ये समांतर रोको, तो जब इसलिए मुद्दा उठा रहा समांतर रोको नहीं, यूटिलिटी कंपनी के खिलाफ था भाई मैं, वाटर यूटिलिटी कंपनी हट गई ना। मगर समाज नहीं मेरे भाई, जब तक अरे क्या बोला थे, बोलिए आपके यही अल्फाज थे कि ये चीज हम लागू नहीं होने देंगे, ये कंपनी को यहाँ से बाहर निकालो। अरे तो कंपनी यूटिलिटी की बात चल रही, समांतर का बात, समांतर जीवन अधिकरण गवर्नमेंट का खाता है वो, आप वो जो जीवन प्रति अधिकरण है ना वो गवर्नमेंट का खाता है, और यूटिलिटी को हटा दिया ना हमने। और दूसरी बात जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जब से कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार चुन के सेना चुन आघाड़ी की, तो वो काम अब सक्सेस हुआ। और मैंने देखो 4 साल कितना बोला हुआ काम, अब सरकार आ गई राष्ट्रवादी की, तो अब काम हो रहा। आप जरा समझो ना बात को, फिर समझो ना। और आपके अगर मैंने अगर आपको कोई गैर मुतमइन बख्श जवाब दिया होगा तो फिर आपसे मेरे से सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैं मुतमइन है, आप मेरे से मुतमइन है मेरी बातों से? बिल्कुल। कुछ और क्वेश्चन? बिल्कुल। आप मेरे से आवाम के ताल्लुक, हाँ अगर मैं आपको ये भी बोल दूँ, अगर मैं अगर कुछ गलत कुछ काम नहीं करता हूँ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते आगे, आप सवाल कर सकते हैं मेरे से आगे। मैं ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हूँ और नगर सेवक, बाद में मैं राष्ट्रवादी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और हमारे शहर सदर फरीद मौलाना के कार्य में काम कर रहा हूँ। काम सिर्फ यही है कि जो लोगों के मसले मसाइल, बिल्कुल आपके जरिए ही मालूम पड़ता है। देखिए आप भी कुछ दिन काम कर चुके, कुछ दिन का मैं 4 साल तो है, मैं 4 साल फिर उनसे कम 10 साल। हाँ लाने वाले फाउंडर हम ही है, लाने वाले हम, हाँ फाउंडर है आपके कार्यकर्ता, हाँ पार्टी को लाने, हाँ फाउंडर है मैं, फाउंडरों में से मानता मैं इस बात को। आप क्या बोल रहे थे कि खता सफाई का? देखिए एक बात बोलूँ क्या, हम हमारे डेवलपमेंट और लोगों के मसाइल को हल करके लोगों तक हमारा जो कार्य है वो काम करके दूसरे, और मैं तो नहीं समझता ये महानगर पालिका, देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं, अगले महानगर पालिका के इलेक्शन में आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे क्या? किस देखो जनता तय करती, तो हम ये गुरूर तकबर और घमंड वाली बात हमको अल्लाह, क्योंकि तकबर की चादर सिर्फ अल्लाह की है, हम किसका सफाया कर देंगे ख़त्म कर देंगे ये अल्लाह करने वाली ज़्यादा। हाँ हमारे हम काम को लेके हमारे लोगों के मसाइल को हल करके हम लोगों को अपने तरफ रागब करने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, हमेशा आप आपके बयान पे फंस जाते हैं, जज्बाती होकर बयान देते हैं, किस हद तक सही है? नहीं मैं लोगों के लिए आवाम के लिए जज्बाती हूँ और हमेशा रहूँगा और मरते मैं खबर में ठंडा होने वाला, वैसा ठंडा नहीं होने वाला इंशाल्लाह। शुक्रिया। गेट से ग्रीन बेल्ट बोला जाता है इसको आम जबान में, हम लोग जो है ना इसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, ये हमारा दिल है। तो ठीक है, तो मुस्लिम मेरे को ग्रीन बेल्ट क्या बोले, क्या बोलेंगे? यही बात पूछता कि भाई आप ग्रीन बेल्ट क्यों बोलते, तो ग्रीन बेल्ट शहर का हिस्सा क्यों नहीं बोलते, मुसलमान रहते इसलिए ग्रीन बेल्ट। अरे आम जबान में उसको ग्रीन बेल्ट बोला जाता भाई, बोलते ग्रीन बेल्ट सब बोलते हैं हम आम जबान में। मैं ये कहूंगा कि आप ग्रीन बेल्ट बोलना आप नेता लोग बंद कर दीजिए। नहीं नहीं क्यों बंद कर दो, नहीं नहीं देखिए मैसेज जाता है, सुनिए देखिए कोई देखो हम जो है ना देखो हम जो है तो हमारी जो साख सब नेता के नहीं आप मेरे पे नहीं नेता ने मेरे सामने जब ग्रीन बेल्ट इसको बोलता है नेता की बात मत करो, नेता नहीं बोलते, नेता इसलिए बोलते आवाम बोलती नेता बोलते, सब आवाम यही बोलती। हमने तो अभी मैंने तो सभागृह में भी बोला, एक हमारे बीजेपी के सदस्य ने बोला साहब ये ग्रीन बेल्ट क्या है, मतलब ग्रीन बेल्ट उसको बोला जाता साहब आजाद चौक से मोनू जोड़ को ग्रीन बेल्ट पट्टा है मुस्लिम बेरिया है बोल के पट्टा है बोल के बोला जाता है, कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई हम यतीम यसीर नहीं है, बहुत खयादत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में। देख लो डेनी चौक अब ग्रीन बेल्ट में, अगर कौन सा उसको बोलते आप, देख लो रोड वहाँ पे बने हुए नहीं है, पानी की समस्या वहाँ कहाँ पे, पानी की समस्या, लाइट की समस्या वहाँ कहाँ पे, आप ग्रीन बेल्ट बोल रहे। तो अरे तो सर साहब मेरे आपकी मालूमात में इजाफा कर लो, ब्लू बेल्ट कौन सा है, भगवा बेल्ट कौन सा है? देखो ब्लू और भगवा की बात नहीं है, पूरे आपको मालूम ये शाहगंज के अंदर जो है तो
एक गैर मुस्लिम हमारी बहन थी, उसकी गाड़ी की तोड़ फोड़ की थी सभागृह में, और स्टैंडिंग कमेटी में सबसे ज्यादा पुरजोर उसकी मुखालिफत करने वाला सैयद मतीन था। ठीक है सर, मेरा हाँ, आपसे ये सवाल, सेकुलर हम इंसानियत के नाम पे काम करते, जो हमारे पास आएंगे हम उसके मसाइल हल करें। अरे अल्लाह के नहीं साहब, ये हमारा बोलो ईस्ट वेस्ट बोलो। देखिए साहब, ये ग्रीन बोलो, ग्रीन किसके, ग्रीन के उर्दू में क्या लिखा, हरा बोलते ग्रीन बोल रहा आपको, तो क्या ज़हनियत में आता इंसान के, क्या ज़हनियत में आता, मुस्लिम पट्टा है यहाँ से, है मुस्लिम पट्टा तो है, डेवलपमेंट भी हो रहा ना कहा नहीं, और हजार चौक रोड बनाए बोल रहे यार, तुम खुद कबूल कर रहे हो इस बात को, मैं अंदर गली की बात कर रहा हूँ। कौन सी गली की, आसिफे कॉलोनी गली का दौरा करे आपने, आप ग्राहपुरे के अंदर चल जाओ, बैजीपुरे के अंदर चल जाओ। अरे साहब, तो मैंने आपको बोला ना आपको, अरे तो मेरे भाई, तो आपको सिवाय तकलीफ के और कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनिए मेरी बात, आपने ये बोल दिया ना, मैंने आपको क्या बोला कि वो पट्टे का जो तो सीमेंट रोड बन रहा था 50 करोड़ रुपए डिफर पेमेंट में ले लिए थे, खाजा अमित दोनों दिन टेंडर भी भरने को तैयार थे, मैंने 12 महीने MPD में चले गया था, BJP की गवर्नमेंट थी, अब हमारी सरकार है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआओं से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और आपको रिजल्ट 4 दिन के बाद बताएंगे हम इंशाल्लाह, ये भी वादा करते हैं। हम आपकी खुद शूट करने के लिए आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, जजाकअल्लाह, शुक्रिया आपका।